अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक एन अदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हो रहा है सुबह के 12 बज रहे हैं टाइम, और अभी हम चलते हैं अपने बर्ड्स लेने सेटअप पे। अभी हम चलते हैं सेटअप पे, एक भाई का सेटअप है, उनके सेटअप पे चलते हैं अपने लिए बर्ड्स लेने। उनका सेटअप आपको भी दिखाएंगे और देखेंगे हमें कौन से बर्ड्स चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चले चलते हैं, यहाँ से वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल वही लुक देगा वो। इसमें तंग हो रहे होते हैं ना, इसमें लेकिन ये मट्टी के लिए मैं रखा है ना, ये उसमें लकड़ी में असल में वो होते हैं, ये मट्टी में नहाते रहते हैं ना। तो हाँ, आप किस्मत ऐसी है, मेल ज़्यादा निकलते हैं, फीमेल ज़्यादा कम निकलते हैं। ये सारे कोको के मेल हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच मेल है कोको। ये कौन सा मेल है? कोको का मेल है ये वाला। हाँ, ये असील और उसका क्रॉस है, ये असील और बफ का क्रॉस है। ये लेना चाहो तो ये ले लो, ये भी असील और बफ का क्रॉस है, वो भी असील और बफ का क्रॉस है। इसकी भी हाइट वाइट बहुत अच्छी है, ये भी असील और बफ का क्रॉस है, ये दोनों भाई हैं। मतलब वो तीनों एक ही उसमें निकले हैं, असील और बफ के क्रॉस हैं। ये भी असील है, वो व्हाइट वाला है। ठीक है, बेंटम की मुर्गी है, सबको बेंटम है। अंडे दे रहे हैं ये? अंडे दे रहे हैं। ये भी फॉर सेल है? नहीं, ये फॉर सेल है, बच्चे निकाले। नहीं, सिर्फ मेल फॉर सेल है, मेल एक्स्ट्रा है ना मेरे पास। और अच्छा, बफ बफ तो वैसे मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। ये भी दोनों फॉर सेल है, इसका भी ऐड लगाया था मैंने, लेकिन अब शायद हटा दिया। अगर ये अच्छा लगे तो ये ले जाओ, ये इसकी भी कोई वो नहीं है। इसके बाद तो देसी पैसे में लगा दूंगा। इसकी तो देसी मुर्गी है। हाँ, नहीं तो ये तो उसके लिए ना, ये इसके चूजे को नहीं निकालना। अच्छा, अंडों के लिए? अंडों के लिए, और क्योंकि मेल एक्स्ट्रा है। अभी तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा, ये तीनों जो बच्चे हैं ये एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर है। अच्छा, के असील और बफ का क्या क्या क्रॉस निकलता है। तो ये असील और बफ का ये क्रॉस निकला है, देखो ना, वो लंबे लंबे से गोल्डन बफ जैसे मुर्गे। तो अब जाहिर सी बात है, अब इनको बफ के साथ रखना तो बेवकूफ़ी ना, मुर्गी के पास एक, अब इनको कहाँ रखूँगा। तो इसके मैंने जो है मुर्गे बहुत हो गए ना, मुर्गियाँ कम है। तो ये असील और बफ का क्रॉस ये, और वो अंदर इस पिंजरे में बनाई थी वीडियो, वो वाले पिंजरे में बोले अलग। अब देखो तुम इसकी भी वीडियो बनाओगे ना, ये भी बड़ा लगेगा तुम्हें, ये यहाँ से बनाओगे ना। तो ये है। अब इसमें मसला ये है कि इसमें इनके बाल खराब कर रहे थे वो, क्योंकि इसकी फीमेल मिलती नहीं है, या मुश्किल से मिलती है। यार फीमेल मिलती है, लेकिन अब वो मेरे पास एक ट्रायल है ना ऑलरेडी, तो ये अब एक ट्रायल मैंने सेट कर लिया। अब ये फिर मैंने इनको इन सबको सेल पे लगा दिया। मारने आ रही है, नया बंदा है, नाराज हो गया। काटती तो नहीं है? ये सारी यहीं पैदा हुई है, ये सारी बच्चे यहीं पैदा हुई है। यहाँ पे झाड़ियाँ थी, अभी रिसेंटली कटवाई है, ये पूरी यहाँ पे झाड़ियाँ थी। तो झाड़ियों के अंदर जो है ये अंडे देती थी, इसमें बच्चे बैठ के बच्चे निकाले इन्होंने। फिर जब मैं देखता था, अच्छा बच्चे छोटे छोटे, हाँ जब छोटे छोटे मैं देखता था बच्चे घूम रहे हैं, तो मैं पकड़ के लेकर अंदर ले जाकर रख देता था। तो ये मेरे पास थे, ये मेरे पास मैंने। सो गाइस, ये मुर्गी हैं, उसके बाद एक मुर्गा है, और ये। तो गाइस, जब मैं घर आ चुका हूँ तो उन्होंने दी नहीं मुर्गियाँ, और जैसे उन्होंने वीडियो में दिखाई थी, मैं आपको वीडियो भी इसके साथ शेयर करूँगा कि इस तरह की कुछ वो मुर्गियाँ थी, उन्होंने जो वीडियो मुझे भेजी थी इस तरह की वो वीडियो थी। और वहाँ पे देखने के बाद आपने वीडियो में देख लिया होगा कैसी उन्होंने बाल बाल उनके चढ़े हुए थे, दांत भी गिरा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें उनका एक, लेकिन मुझे मुर्गा पसंद आया था, उसके मैंने पैसे भी बोले, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो फिर मैंने भी उनसे ज़्यादा जिद बहस नहीं की, तो फिर मैं आ गया। मैंने कहा छोड़ो, उनके पास क्वालिटी भी सही नहीं थी, थोड़े लाइट लाइट से बना गए थे। तो फिर किसी अच्छे सेटअप पे जाएंगे, वहाँ पे जाके देखें। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।